नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करने का, जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसको आज हम लोग समझते हैं। सिद्ध करें कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। माना कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए। उसके बाद जब परिमेय संख्या मान लिए तो स्वाभाविक बात है कि 5-√3 बराबर हो जाएगा p by q। ध्यान से देखिएगा, तो यहां आप देखते हैं कि रूट थ्री माइनस में है, इसको हम लोग प्लस में यदि कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यह बात पता है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या को स्वतंत्र कर लेंगे तो फिर बनाने में थोड़ा और अच्छा रहेंगे। देखते हैं, 5 = p/q, और ये रूट थ्री माइनस में इधर लेके आ गए प्लस में, ठीक। अब यहां देखते हैं 5-p/q बराबर बचा क्या, रूट थ्री। ये काम यहां भी कर सकते थे, रूट थ्री को इधर लेके आ जाते, इसको इधर, लेकिन समझने के लिए एक स्टेप को बढ़ा दिए। अब देखते हैं, या कुछ नहीं है तो एक है, क्यू एलसीएम आ गया, 5q - p = √3। चूंकि हम लोग पिछले ही क्लास में ये चीज को जान चुके हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, जो दिख रहा है परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या, न लग रहा है कि नहीं, ये कोई ना कोई गलती दिखा रहा है, हम लोगों का कुछ ना कुछ गलती हुई है मानने में। तो हम लोग उसी चीज को समझते हैं, यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, अतः 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट आप लोगों को ये क्लास जरूर अच्छा लगा होगा, यदि समझ में आया और अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।